घर की रसोई में मशरूम उगाने का ऑर्गेनिक तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कैसे आप एक पॉलिथीन में आप अपने घर की रसोई में ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम को उगा सकते हैं और कैसे इसको उगाना होता है और कैसे मशरूम का आप अपने घर पर ही लाभ उठा सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर हमने ये गैस पर गर्म पानी किया है और इस गर्म पानी को आपने उबालना है। उबालने के बाद देखिए जब तक इसमें खद्दे ना लग, जब पूरा गर्म ना हो जाए, इसमें भाप ना उठ जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास ये सूखा चारा होता है जो पशुओं का चारा होता है जिसे भूस बोलते हैं, तो आपने इसके अंदर इसको डालना है। ये डालने के बाद देखिए आपने क्या करना है, इसके अंदर डालना है और डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से घुमाना है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए करना होता है ताकि जो इसके भूस के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इसके अंदर, ये हमारे पौधे को उगाने में एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है और जो इसके अंदर कण होते हैं वो सारे कण ख़त्म हो जाएंगे। और अगर इसमें पानी कम पड़े तो आप इसके अंदर और भी पानी डाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आपने इसके अंदर लगाना करना है, और जैसे जैसे ये बिल्कुल ही इसके अंदर डूबता जाएगा, ये देखिए आपने इसको किसी भी चीज़ की सहायता से आपने इसको घुमाना है, तो ये एक पौधे को उगाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाएगा और आपके पौधे को बीमारी से बचाएगा। तो इसलिए इस भूसे का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए जैसे जैसे इसमें से निकालना है आपने, निकालने के बाद ये देखिए जैसे हमने इस तरीके से इसको निकाला हुआ है ऐसे करके, और इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस भूस को एक दिन के लिए आपने रख देना है। और रखने के बाद क्या होगा, देखिए इसका कलर इस तरीके से काले कलर में इस तरीके से बदल जाएगा, जो कि एक हमारे पौधे को उगाने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा और कैसे इसको करना और बीमारियों से बचाएगा, इसका सबसे बड़ा रोल होता है। और अब मैं देखिए आपको बताता हूँ इसके लिए उगाने के लिए आपने क्या करना है, एक बोरी लेनी है और उस बोरी पर रेत लिया है, और इस रेत में आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये भूसा है, इस भूसे को देखिए हमने पानी में जो एक दिन के लिए रखा था, इसको आपने अच्छी तरीके से ये देखिए पानी में से इसको निचोड़ना है। इस तरीके से आपने इसको जब तक इसके अंदर पानी है, और इसके बाद आपने क्या करना है, ये इस पे ऐसे करके आपने इसमें बखेर लेना है। तो इसके अंदर जो भी कण है वो सारे कण ऐसा करने से ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारे पौधे को बहुत ही अच्छी तरीके से उगाने में बहुत ही भूमिका निभाएगा। तो इस तरीके से देखिए मशरूम सर घर में उगाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है मशरूम को। देखिए आपने अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको रेत में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, ऐसे करके मिक्स करना है। और ये मिक्स करने के बाद इसमें अब क्या चीज़ मिलाने जा रहे हैं देखिए, हम वो भी हम आपके सामने दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद होती है जिसको वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं, ये गोबर की खाद या अन्य चीज़ों से बनाई हुई होती है। ये देखिए इसके अंदर आपने इस पर इस तरीके से डाल लेना है, ऐसे इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से डालना है। ये घर में आसानी से तैयार कर सकता है हर कोई, इस तरीके से आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से मशरूम को उगा सकते हो। और एक चाहे मशरूम, चाहे जैसे मौसम में सीज़न में मशरूम महंगी, कई बार महंगी होने की वजह से लोग उसको खाने का आनंद नहीं ले सकते, तो आप इस तरीके से आप अपने घर पर बहुत आसानी से मशरूम उगा सकते हो और ऑर्गेनिक तरीके से बिना किसी पेस्टिसाइड के आप अपने घर पर ही बहुत तरीके से अच्छे तरीके से उगा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये मटेरियल तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा और जैसे कि ये भूसा हमारे पास, इसको बिल्कुल ही पानी निचोड़ के इसके अंदर से इसको थोड़ा और हमारे को भूसे की जरूरत पड़ेगी, आपने इसके अंदर ऐसे करके मिला लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ये देखिए एक मशरूम उगाने के लिए आपने एक पॉलिथीन की जरूरत है हमारे को। तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है मशरूम को उगाने के लिए 15 से 25 डिग्री तक का टेम्परेचर में बहुत ही बेस्ट तरीके से उगती है। बस आपको ध्यान क्या देना होता है कि सूर्य की किरणें इसके आसपास, सूर्य की किरणें नहीं होनी चाहिए। और अगर सबसे बेटर ये होता है कि अगर आप अपने किचन में उगाना चाहते हैं या ऐसी जगह उगाना चाहते हैं जहाँ पर सूर्य किरणें न पड़ती हो, वहाँ पर यह बहुत ही आसानी से उगेगी। ये देखिए आपने घर के किसी भी कोने में जहाँ पे ठंडक रहती हो वहाँ पे रख सकते हैं इसे। हाँ, जहाँ पर ठंडक हो वहाँ पर यह बहुत ही अच्छी तरीके से उगेगी। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये मटीरियल तैयार हो चुका है बनकर, और ये बहुत ही अच्छा मटीरियल है ये, ऐसा करने से जिससे कि हमारी मशरूम बहुत ही अच्छी तरीके से उगेगी। ये देखिए इसके बाद दोस्तों
ये पॉलिथीन में करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इसको इस तरीके से पॉलिथीन को मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद ये देखिए ये हमारे पास मशरूम का बीज होता है। इस बीज को आपने क्या करना है, हाथ में लेकर इस तरीके से इसको ऐसे बिखेर देना है। ऐसे करके आपने इसको अच्छी तरीके से बिखेरना है। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों एक मशरूम को अपने घर पर उगाने का, जिससे आप फ्री में एक मशरूम का आनंद ले सकते हो। और अब आपने क्या करना है, इस पर थोड़ा सा और भूसा डाल के थोड़ा सा और भूसा डालना है। और ये देखिए जो हमारे पास खाद बनाई हुई है जो हमने, इसकी थोड़ी सी लेयर आपने इसके ऊपर ऐसे करके लगानी है, और लगाने के बाद जिससे कि ये मशरूम हमारी फूटने में बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करेगी। तो ऐसा करने के बाद अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर से ऐसे करके 3 दिन के लिए ऐसे इसको किसी धागे में, ये देखिए कोई भी धागा होगा आपके पास, धागे से इसको बांध देना है ऐसे करके, एयर टाइट करके इसको बिल्कुल टाइट करना है ताकि इसके अंदर से कोई भी हवा क्रॉस ना हो। इसको आपने टाइट करना है, टाइट करके अच्छे तरीके से आपने इसको बांध देना है ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके, क्योंकि एक मशरूम तभी उगती है जब इसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए। ये देखिए आपने कहीं भी इसको ऐसी जगह हैंग कर देना है, और 3 दिन के लिए आपने इसको किसी भी रेतली जगह पर, जैसे जो भी रेत होता है नीचे, और उसमें पानी डालकर, रेत पर नीचे पानी डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से इसको ऐसे आप लगा सकते हो। और ये करने के बाद आपने 3 दिन के बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे ही ये आपने मशरूम को 3 दिन हो चुके हैं रखे हुए को, तो 3 दिन बाद आपने क्या करना है, किसी भी पेंचकस या चाकू की सहायता से जैसे इसके अंदर छेद करने हैं, क्योंकि 3 दिन में हमारा जो बीज होता है वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है। अब ये छेद इसलिए करने होते हैं ताकि पौधे को ग्रोथ करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो अब वो उगने के लिए इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उगेगा और हमारी मशरूम तैयार हो जाएगी। कितने दिन में तैयार हो जाएगी ये देखिए, जैसे कि ये हमारे हमने ऐसे इस तरीके से पॉलिथीन में बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम को उगाया है, ये 30 से 35 दिन के अंदर ये इतनी बड़ी मशरूम हो जाएगी, और आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से एक फ़ायदा उठा मशरूम को घर पर ही उगा कर खा सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों एक अपने घर पर मशरूम उगा कर खाने का, और अपने घर पर ही चाहे मशरूम जितनी मर्जी महंगी क्यों ना हो, तो आप घर पर उगा कर इसका फ़ायदा उठा सकते हो और अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।